कहिए कैसे हैं आप। छोटे बच्चों में शिष्टाचार, मैनर्स, एटिकेट। असल में हम पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई की तरफ तो पूरा ध्यान देते हैं, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई की, ये पढ़े पढ़े लिखे लिखे, ये करे वो करे, ऐसा बने ऐसा बने, पर उनके मैनर्स की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जबकि पढ़ाई लिखाई जितना ही जरूरी है, बच्चे को अच्छे मैनर्स सिखाना, अच्छे संस्कार देना। संस्कार चलो एक पुराना वर्ड हो गया, हम उसको मैनर्स या एटिकेट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं ना, कहीं पेरेंट्स बोलते हैं मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें, बच्चों को डांटेंगे तो ऐसे बोलेंगे, अक्ल नहीं है क्या, मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें। असल में ये बात कहने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी कि मैं कुछ दिन पहले अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, अपनी फैमिली के साथ उनकी फैमिली के पास गई थी। तो जैसे हमने डोरबेल की तो मेड ने दरवाजा खोला, फिर उसने हमें अंदर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद उनकी जो फर्स्ट क्लास में एक बिटिया पढ़ती है, छोटी सी है, बहुत प्यारी, पॉपिंस है उसका नाम, वो आई और उसने ना हम सबके पास जाके, एक एक जने के पास, जैसे हम चार लोग थे, सबके पास जाके हाथ जोड़ के नमस्ते की, नमस्ते नमस्ते, और वो बैठ गई और बैठी भी स्माइल लेके। कितना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था उससे बात करने का। तभी उस समय मुझे याद आया जब थोड़े दिन पहले मैं एक और फ्रेंड के घर गई थी, तो वहां उनका जो बच्चा है, मेरे ख्याल फोर्थ या फिफ्थ क्लास में होगा, वो ना ड्राइंग रूम से निकल के भाग रहा था, क्योंकि उसके हाथ में बैग था, तो शायद उसके फ्रेंड्स बुला रहे होंगे तो खेलने भाग रहा होगा, जैसे होता ही है ना बच्चों का, खेलने के लिए भाग रहे हो तो देखते नहीं है कोई बैठा है नहीं बैठा। तो उसकी मदर ने आवाज दी, ओए कहाँ जा रहा है, ओए, सबसे पहले तो अब ध्यान दीजिए, ओए कहाँ जा रहा है। अच्छा वो आ गया, पैर छू इनके, भूल गया क्या, आंटी है ये। और मेरा दिल मतलब मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, तो वो बच्चा जो मेरे पैर छू रहा है उसके मन में क्या फीलिंग आ रही होगी मेरे लिए। एक तो उसको खेलने से रोका, एक बुलाने का तरीका, और फिर जब वो पहुंच रहा था, अकल नहीं है इसमें बिल्कुल, 10 बार समझा दिया कि जब मेहमान आए किस तरह से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, इसको देख लो। और इसी बीच में पड़ोस के एक लड़के का एग्जाम्पल देने लगी। एक तो ये चीज मुझे टॉलरेट नहीं हुई कि इस तरह से, देखिए दो तीन बातें होती है कि एक तो जब गेस्ट बैठे हो ना, मेहमान बैठे हो, तो बच्चे को ऐसे टोकना नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कंपैरिजन तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। आप ये सोचिए, चलिए एक सेकंड के लिए मैं एक बार टॉपिक से हट जाती हूँ, ये सोचिए कि आपके बेटे ने अगर अपने एक फ्रेंड की मम्मी को कंपेयर कर दिया आपसे तो क्या होगा, अपने फ्रेंड की मम्मी को, कि वो देखो वो कितनी स्मार्ट है, आप तो कुछ भी नहीं हो, वो देखो कितनी स्मार्ट है, वो देखो कितनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, आप तो क्या हो, क्या रह जाएगी आपकी हालत, खस्ता हो जाएगी, गुस्सा कितना आएगा, जल भुन जाएंगी, तो बच्चे का क्या हाल होगा, आप ही का बच्चा है। कंपैरिजन तो भूल जाइए। ये देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में तो मैं दिन भर बोल सकती हूँ, पर आज मेरा टॉपिक दूसरा है, आज बच्चों के ऊपर। तो बच्चे को मैनर्स कैसे सिखाए, देखिए सबसे जो इजी वे है ना, सबसे पहली बात ये है कि उनको दूसरों के सामने बेइज्जती नहीं करनी, ये उनको बेइज्जती फील होती है, इस तरह से उनको बुलाना, ओए पांव छू, ये जो फीलिंग्स है ना, ये दिल से आती है, दिखावे से नहीं आती। अगर बच्चा पसंद करता है तो वो खुद ही आएगा, वो कहे अपने दोस्त को बोलेगा मैं एक मिनट में आ रहा हूं, और खुद ही पांव छूएगा, पर कह के कराना और इस तरह से बोलना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करें, हम भी चाहते हैं कि बच्चे में मैनर्स है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब कोई ना हो, जब सिर्फ आप हो और आपका बच्चा हो, ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि छोटे से अगर हम शुरू करेंगे ना, नींव छोटे से डालेंगे ना, तभी फर्क पड़ेगा। तो छोटा बच्चा पहले हम उसको सिखाएं कि ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर एक्टिंग करें क्या, कि आप कहें कि मैं गेस्ट हूं, मैं घर आऊंगी और आप मुझे कैसे अटेंड करोगे ये देखते हैं, और फिर उसके नंबर्स मिलेंगे और नंबर देके फिर उसके मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब जैसे होता है ना कि आपकी पसंद का ये बनाऊंगी, इस तरह से उसको मोटिवेट करना। तो आप घर की घंटी बजाएंगे, डोरबेल बजाएंगे, आप अंदर आएंगे, वो आपको अटेंड करेगा, और उसमें जब कोई कमियां हो तब उसको उस समय कीजिए क्लियर। एक पता क्या होता है कि हम घर पे तो इंग्लिश बोलते नहीं है, पर जब कोई बाहर का आता है तो हम थोड़ा सा ना स्टाइल मारने के चक्कर में थोड़ी ज्यादा इंग्लिश बोलना तो थोड़ा अजीब लगता है। तो जो हम हैं नेचुरल बने रहिए, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है बच्चे को आप सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इस तरह के एटिकेट्स दे रहे हैं, इस तरह के मैनर्स सिखा रहे हैं, पर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कई बार लगता है एक्टिंग हो रही है या दिखावा लगता है। तो अब जरूरत क्या है, जरूरत इस बात की है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी।
अच्छे एटिकेट्स, अच्छे मैनर्स सिखाने बहुत जरूरी है। तो जरूर सोचिएगा इस बारे में। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।